रुस्तम आपसे जानना चाहूंगा मैं कि मुझे इतना बताएं कि भाई खेलों में तैयारी ऐसे ही नहीं हो जाती, वो अपना एक इंडिविजुअल एक कड़ा पूरा सफर होता है। हमने देखा कि उस 16 साल के बच्चे ने बढ़िया गोल्ड मेडल ले आया, मगर इसके पीछे जो जैसे कविता दीक्षित कह रही है भाई सुविधाओं के नाम पर जो है कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है, एक आध स्पोर्ट पर भी ध्यान ज्यादा दे दिया जाता है। सुविधाएं कितनी मिलती है बेसिक लेवल पर, जब आप किसी शहर छोटे शहर से आते हैं तो सुविधाएं कितनी ज्यादा मुहैया की जाती हैं? यहाँ तो प्रॉपर ना तो स्टेडियम मिलता है जाने के लिए, वहां पर कहीं प्रैक्टिस करने के लिए ना ग्राउंड मिलता है, ना वो साधन मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, फिर कैसे हम अपेक्षा करें कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा मेडल लाए? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं आज भी स्पोर्ट्स हमारे इसलिए पीछे होते जा रहे हैं क्योंकि शायद पेरेंट्स भी आज जागरूक नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ आपसे, मैं अपने गेम के बारे में ही बताता हूँ, वेटलिफ्टिंग के बारे में ही बताता हूँ। लास्ट ईयर खेलो इंडिया के लिए एक लड़का सिलेक्ट हुआ था, उसके फादर ने कहा कि भाई उसका 10th का एग्जाम है तो वो खेलो इंडिया नहीं कर सकता, तो उसने ड्रॉप कर दिया। मगर ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके 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 बच्चे उसके बावजूद भी वो यही चाहते हैं, प्रोफेशनल नहीं चाहते, प्रोफेशनल नहीं चाहते, कोई प्रोफेशनल करियर नहीं चाहता, प्रोफेशनल करियर नहीं चाहता। अगर किसी को कोई चांस मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट दे रही हो, नॉन गवर्नमेंट दे रही हो, प्राइवेट कंपनीज दे रही हो, तो भी हम आगे आके लेना नहीं चाहते। तो अगर कोई हमको मदद करने आता भी आगे, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम आगे हाथ बढ़ा के कदम बढ़ा के उसको अपनाएं। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। आज मेरे को वेटलिफ्टिंग के लिए लड़के ढूंढने पड़ते हैं, बच्चे ढूंढने पड़ते हैं, और लड़कियां तो मेरे में है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है, तब तो कोई आपके आगे आएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा और आपसे ये कहेगा कि हाँ भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ। तो अगर कोई चीजें मिल रही है, कोई फैसिलिटी मिल रही है, तो हमको इस क्षेत्र में भी कार्य करना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं पेरेंट्स इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। मैं ये पहले भी कई बार सुना और मैं खुद ने खुद भी देख लिया, 2 साल से मैं कोचिंग फील्ड में हूँ, तो आज भी लोग यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और कहीं कुछ फील्ड में जाए, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए अभी भी लोग एक कदम पीछे ही हटते हैं, सिर्फ ये कह के कि आगे जाके हमको कोई सुविधा नहीं मिलती, आगे जाके सुविधा नहीं मिलती। रुस्तम आप बताइए, जब प्लेयर को अपने आप को ट्रेन करना होता है, ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, सब ठीक है, मगर अपने आप को मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तब जब स्पोर्टिंग इवेंट में उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तब वो अपने आप को कैसे मेंटली एंकरेज रखे, कैसे वो अपने आप को नेक्स्ट इवेंट के लिए कॉम्पिटेंट बनाने के लिए तैयारी करें, ये अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो अगर एक कॉम्पिटिशन छूट भी जाता है तो उससे स्पोर्ट्स खत्म नहीं हो जाता। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, वो गिव अप कर जाते हैं। जी मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में खेला था तो वहाँ मैं 4th प्लेस पे आ गया था 1 kg से, तो मेरा भी मन यही बोला कि बस करते हैं, हो गया, बस इतना मेहनत किया मैंने 2 साल से, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को समझाया और ये कहा कि नहीं, मेरे पास और भी मौका है, आगे और अच्छे मौके आएंगे, और जो गलती मैंने इस बार की है वो गलती मेरे को अगली बार नहीं करनी। तो ये जो जोश और जो जज्बा है हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि हम जो है देश के लिए खेल रहे हैं, ना कि अपने लिए, और खास करके इंटरनेशनल लेवल में जब आप तिरंगे के लिए खेल रहे हो और वहाँ अगर आपको हार का सामना है या आपको चांस नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं कि हम लड़ना छोड़ दें। वो एक तरीके से देखा जाए तो हम देश के लिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं खेल के माध्यम से, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और जो हमने गलतियां की हैं उस पर हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना।